हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुड़हल ही एक ऐसा पौधा है जो 12 महीने फूल देता है। लेकिन दोस्तों, जब भी गुड़हल का पौधा हम घर पर खरीद कर लेकर जाते हैं तो वो गुड़हल का पौधा फूल देना भी बंद कर देता है और उसकी ग्रोथ भी रुक सी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात कि उसमें वाइट सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी लग जाती है, जिससे धीरे धीरे हमारा जो पौधा रहता है वो धीरे धीरे सूखने लगता है और मरने लगता है। और उसके पत्ते भी दोस्तों ऐसे पीले होकर झड़ने लगते हैं, इससे हम बहुत ही दुखी रहते हैं और फिर से हमें गुड़हल लगाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे आपका जो गुड़हल का पौधा है उसमें फूल भी 12 महीने आते रहेंगे। और उसमें जो बीमारी लग जाती है दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको दवाई बताऊंगी कि किस दवाई का आपको स्प्रे करना है तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। तो दोस्तों, जब भी नर्सरी से गुड़हल का पौधा दोस्तों हम खरीद कर लेकर आते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने घर में कौन सा गुड़हल लगाना है, देसी गुड़हल लगाना है कि हाइब्रिड गुड़हल लगाना है। क्योंकि जो देसी गुड़हल रहता है दोस्तों, ये देखिए लाल रंग का और पीच कलर का और पिंक कलर का आता है, इसका हाइट लंबा होता है। लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल रहता है, ये देखिए ये येलो कलर का है, पिंक कलर है और इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और ये छोटे ही हाइट में हमें बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल देते हैं। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप हमेशा हाइब्रिड गुड़हल लगाइए। हाइब्रिड गुड़हल ही 12 महीने फूल देता है, लेकिन इसमें समय समय पर फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। और जो ये देसी गुड़हल रहता है दोस्तों, इसमें हम फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते हैं तब भी ये खिलता रहता है। तो दोस्तों, हाइब्रिड गुड़हल से हम लोग बहुत ही दुखी रहते हैं क्योंकि वो फूल ही नहीं देता है। तो जब भी गुड़हल का पौधा दोस्तों लगाएं तो आपको हमेशा धूप में ही लगाना चाहिए, क्योंकि गुड़हल के पौधे को दोस्तों हमेशा 4 से 6 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। अगर छांव में हम लगा भी देते हैं तो वो फूल नहीं देता है और धीरे धीरे गलकर सूख भी जाता है। और दोस्तों, अभी मार्च का महीना शुरू हो रहा है तो मार्च में हमें गुड़हल में दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी डालना चाहिए, क्योंकि ये पानी वाला ही पौधा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी की कमी हो जाती है तो गुड़हल का पौधा बढ़ भी नहीं पाता है और धीरे धीरे मुरझा जाता है और सूखने लगता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी गुड़हल का पौधा हम अपने घर में लगाएं दोस्तों, तो हमें अच्छी मिट्टी बनाकर अपने गुड़हल के पौधे को लगाना चाहिए। आपको दोस्तों काली मिट्टी ले लेना चाहिए, उसमें थोड़ा भूसा मिलाना चाहिए और उसमें थोड़ा गोबर खाद मिलाना चाहिए। गोबर खाद दोस्तों जो एकदम पुराना वाला होता है, जो सड़ गया रहता है, वही वाला गोबर खाद आपको मिलाना चाहिए और तीनों को मिक्स करके तब आपको गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए। और दोस्तों, गमले का भी ध्यान देना चाहिए। कभी भी गुड़हल का पौधा दोस्तों 10 से 14 इंची गमले में लगाना चाहिए, तभी गुड़हल का पौधा हमारा तेज़ी से बढ़ेगा और फूल भी उसमें अच्छे से देगा। और अगर दोस्तों आपका जैसे ये गुड़हल का पौधा है और पहले से लगा हुआ है, साल भर या 6 महीने हो गया है, आपने उसकी मिट्टी को चेंज नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले अपने मिट्टी को चेंज करना है और चेंज करके फिर से नई मिट्टी में लगाना है। और अगर आपने अभी अभी नया लगाया हुआ है तो सबसे पहले जो आपका गुड़हल का गमला है दोस्तों, उसका सबसे पहले आपको जंगल निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों जंगल की वजह से भी हमारा गुड़हल का पौधा बढ़ नहीं पाता है और वो हरापन भी नहीं आता है। तो जंगल निकाल देना है। जंगल निकालने के बाद आपको दोस्तों इसकी कुड़ाई कर देनी है। कुड़ाई तो दोस्तों हमें करना ही करना है, चाहे वो नया पौधा है चाहे वो पुराना पौधा है। कुड़ाई करने से मिट्टी ऊपर नीचे हो जाता है,
और जो उसका जड़ा होता है उसमें मजबूती आ जाती है और उसमें हवा भी मिल जाती है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके गमले में मिट्टी कम है तो सबसे पहले आपको ये मिट्टी अपने गमले में चारों तरफ से डाल देना है, क्योंकि जब मिट्टी डालेंगे दोस्तों तभी हमारा पौधा अच्छे से बढ़ेगा। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और डालना है आपको इसमें दोस्तों ये गोबर खाद डालना है। हम लोग नर्सरी में गोबर खाद सड़ा हुआ रखते हैं और ये गुड़हल के प्लांट में डालते हैं तो गुड़हल बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। और गोबर खाद तो दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है, ज़्यादा भी डालोगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कम भी डालोगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये जो गोबर खाद रहता है दोस्तों ये पौधे की हरियाली को बनाए रखता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बनाए रखता है। इसलिए आपको गोबर खाद 15 दिन में अपने गुड़हल के प्लांट में डालते ही रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जितने भी आपके गुड़हल के ये जो पीले पीले पत्ते रहते हैं इनको आपको काट देना है। और अगर आपके गुड़हल में दोस्तों बीमारी लग गई है और सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी लग गई है तो उसको भी आपको ऊपर से काट के निकाल देना चाहिए ताकि बीमारी और ज़्यादा फैल ना पाए। और उसके बाद दोस्तों जिस दिन भी आपको गमले में फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों तो पहले से ही एक दिन आपको सुखा कर मिट्टी रखना है ताकि हम गमले में फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो जल्दी से सूखेगा और अच्छे से हमारा काम करेगा। जब दोस्तों हमने सारा ट्रीटमेंट गुड़हल का कर लिया है तो लास्ट में हमें इसमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। और फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये आपका जो चाय पत्ती वेस्ट निकल जाता है उसको अच्छे से पानी में उबालना है और उसे छान लेना है और छान के आपको एक डिब्बे में रख लेना है। और उससे पहले एक और फर्टिलाइज़र डालना है, उसके लिए दोस्तों ये देखिए ये आपका ग्रूमर है। अभी मार्च का महीने में दोस्तों ये वाइट वाला ग्रूमर आपको डालना रहता है और ये बहुत सारे कलर में मिलते हैं अलग अलग, लेकिन वाइट वाला सबसे अच्छा होता है मार्च के महीने में। तो इसको आपको गुड़हल के दोस्तों चारों तरफ आपको डाल देना है और डाल के ढक देना है। उसके बाद जो ये हमने चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है इसे 1 लीटर पानी में आपको उबालना है, अगर कम है तो 0.5 लीटर में उबालना है और अपने गुड़हल के प्लांट में दोस्तों चारों तरफ से आपको डाल देना है। और इस फर्टिलाइज़र आप स्टॉक करके भी रख सकते हो, लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद जब हमने इसमें फर्टिलाइज़र डाला है दोस्तों तो आपको गमले में हल्का हल्का पानी डाल देना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो फर्टिलाइज़र हमारा अच्छे से काम नहीं करता है। सवेरे खाद डालना है और शाम को हमें पानी डालना है, ऐसा आपको करना है। उसके बाद दोस्तों जो बीमारी लग जाती है उसको आपको ये जो चाय पत्ती का हमने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है इसको आपको स्प्रे बोतल में भर लेना है और भरने के बाद दोस्तों ऊपर से आपको स्प्रे करना है। और कितने दिन में करना है ये भी मैं बताऊंगी। स्प्रे दोस्तों आपको कभी भी शाम के समय ही करना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं करना है, छाँव में करोगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा और पौधा भी हमारा अच्छा रहेगा। और इस स्प्रे को दोस्तों आपको हफ्ते में 2 बार करना है अगर बीमारी लगा हुआ है, अगर बीमारी नहीं लगा है तो आपको 10 दिन में 1 बार स्प्रे करना रहता है अपने गुड़हल के पौधे में। गुड़हल ही एक ऐसा पौधा है जब तक हम उसमें खाद दवाई नहीं डालेंगे तो वो फूल नहीं देता है। और दोस्तों दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे तो उसमें पक्का है कि इसमें वाइट वाइट फफूंदी लग जाती है और धीरे धीरे वो सारे पौधे को खा जाता है। इसलिए जब भी अपने घर में गुड़हल का पौधा आप लेकर लगाएं तो साथ में उसका दवाई भी खरीद कर लेकर आएं। ऐसा नहीं है बीमारी लग जाएगा उसके बाद हम जाएंगे नर्सरी में बोलेंगे बीमारी लग गया है दवाई दो, तो बीमारी को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि बीमारी आएगा ही आएगा
तो हम शुरू से ही सावधानी से इसमें दवाई डालेंगे तो बीमारी आएगा ही नहीं, और जो हमारा गुड़हल का पौधा है वो फूल भी अच्छा देता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरह आप फर्टिलाइजर बनाइए और अपने गुड़हल के पौधे में समय समय पर डालिए और बहुत सारा फूल पाइए, और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलने वाला है और आपका गमला फूलों से भर जाएगा। अगर दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपका आपके गुड़हल में काम नहीं करेगा तो आप भले ही मेरा वीडियो मत देखिएगा, लेकिन अगर ये फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल में फूल खिलाएगा तो दोस्तों एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए तरीके के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।